लोकों डिमांड अच्छी नैरेटिव सी तैयारी करेंगे कौ नैरेटिव इम्पोर्टेंट आम लोक सहित सब नहीं देखो जहाँ बीजेपी प्रवक्ता कहते बोधे जाणी ना सांसद केन्द्रीय अवहेला विषय आलोचना करते सांसद निजे एडमिट कर माने पार्लियामेंट रे आउ केन्द्रीय अवहेला ना ओडिशार प्रति से बुझिकी आस कहे भल हाँ द्वितीय कथा आपण कौन ट्रांसफॉर्मेशन कथा रूपांतरण कथा स्कूल करदेलु कॉलेज करदेलु सबू करदे आप शिक्षार मान्यता जानते ओडिशार स्थान कौटी शिक्षार क्षेत्र में मान्यता 22 नंबर आज्ञा गुणात्मक शिक्षा दिखुद आज स्कूल आज शिक्षक ना आज शिक्षक आज राजारास्त बहुत स्कूल आज ताला पड़िया बसला आप कौन रूपांतरण ये कलर मारदे हुए नहीं आज्ञा आपत जब एत विकास कर 57% लोक कहीं आप विरोध में भोट दौरान कहीं सतर तार प्रश्न उत्तर दिखाँ जब आप विकास टीचर पीपल रेशियो इन स्कूल नेशनल एवरेज होची 30 गुणात्मक शिक्षा माने आगे कोई गाइस हमरा 22 टा पिलर गुणात्मक शिक्षा माने स्थान 22 टा पिलर गोटे टीचर एटी 30 टा पिलर केंद्र रे गोटे टीचर से भलोर उमर करके आसुतु तो से आगे गुणात्मक शिक्षा उडा स्थान कोटी कोंतु टीचर स्टूडेंट रेशियो कथा कोंतु फुल पातळ आइछि से कहि देबे कि आज मध्य प्रदेश जोटी जितिले सेठी आदिवासी अंचल रे डिंडोरी रे जो आदिवासी अंचल रे ताको स्कूल रे सेठी जो बळा मोहिर मोस्टु आरंभ करी केउ जोटु आरंभ करी विकास विकास करे किए मना कर 23 विषय विकास करने कौन निर्वाचन पूर्व पंचायत को 50 लक्ष दौरान कौन कर 23 वर्ष कौन 23 वर्ष सोते निर्वाचन आखि आखिर रखी 50 लक्ष दौर पंचायत को एक हरिलुप करने पैसा आप निर्वाचन यही रणनीति तैयारी करते निर्वाचन वातावरण आसे विजु जुव बाहन करते आप ठीक निर्वाचन पूर्व पिठा योजना करते बहुत योजना आप मिथ्या प्रतिश्रुति राजकोष को आप लोक मैंने बांटी दिखती जमी का योजना बांटी पूर्व थर से टंका को केवल वोट पाई जहां कहउचंती आज 20000 कोटी टंका ईस्ट कोस्ट रेल दउची दिल्ली को केते टंका में फेरी की पाउचू जीएसटी रो पैसा आज भी बाकी रहिची ताको पखरे मु तो कहउची जदी ताको सत्सास अछि 16 फाइनेंस कमिशन रे डिजास्टर को गोटे क्राइटेरिया करकी ओडिसा केमती अधिका पैसा पाइबो डिजास्टर रे आज डिजास्टर हमे फेस करबा किंतु महाराष्ट्र राजस्थान डिजास्टर रे अधिका पैसा पाइबे मु सेति पाइ कहउची डिजास्टर रो कम्प्लीट करे पाइ कहउची ताको संगरे मोर लड़े ना से ताको टाइम रे कहिले किंतु सतरा सुनी देवा दरकार सतरा भारी कष्ट सत से माने तोले कोउ नंती बोले आज लोक ताको प्रत्यक्षन दयाला 57% का विरोध रे सत कोन सर सत आज एईटा जे तांकर भारतीय जनता पार्टी रो जो मंत्री माने मोर जने बड़ भाई मयूरभंज रे मंत्री हेचती केते टंका से मयूरभंज रे आनकी काम करचती असे सेंट्रल मिनिस्टर मते कोंतु एससी एसटी रो मिनिस्टर से हेले जल शक्ति रो मंत्री हेले किंतु मयूरभंज रे आज केते जगह से जलसेचन करचती सेति भाई ठीक ठीक रश्मि मैडम से हिसाब दउचती आपनकर भूमिका कोन कांग्रेस बेले मते ए अभिजोग आसुथिला कि केंद्रीय अनुदान कमुथिला सेति भाई आपन ओडिसा रो पूरा सफा होई गेले कहले भूल हबो नाही जो अभिजोग सब करचंती ना ना आपण जो कथा कहले सफा हो गले कौन आप देखुं एवं सबुदिन मिश्रण पर्व एवं किए कौ दल रू आस दुई दुईटा दल रही ना ना बर्तमान देखूँ जो भाई भाव में आमर गोटे जगन्नाथ संस्कृति उपर जो भाव में भक्त एवं भगवान दूरतार आम तुलसी जात्रा कलु एवं सक्सेस हेलु सरकार मानवाक बाध्य डेडिकेशन करिडर संध्या सुधा डिक्लेयर कले
ଏବଂ ଏଭଳି ବହୁ କିଛି ରଣନୀତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସଫା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆମର ସିଟ୍ ଆମର ରେସିଓ ସବୁକିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳୁଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ନା, ଯେଉଁଠି ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିସାରିଲେଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଚେହେରା ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଉଭା ହେବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଥିଲେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନଥିଲେ, ସେଠିକାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଠି ଶାସନରେ ଥିଲେ ହୁଏତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ ସେଠି ବିଜେପିକୁ ତାର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଏଇ 19 ଏବଂ 23-24 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ଘଟିଲା ଏବଂ COVID-19 ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଆଜି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଯେ ସେଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବହେଳା ହେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଦେଇପାରିବା ସେ ସମୟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଅଲଗା ଦୁଇ ଦଳକୁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପରଖି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଫାଗୁଆଳି ଶାସନରେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ସ୍ଥିର ଶାସନରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏଠି ଫେସ୍ କିଏ ହେବ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବଦଳିବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ AICC ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚେଞ୍ଜ କରୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ BRS କଥା, ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନା କଥା କହିବା, ଆମେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କଥା କହିପାରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ରିପ୍ଲେସ୍ ମୁହଁ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀତ ବେହୁରିଆ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ 4 ଯାକ ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁସରଣ କରିବେ, କେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯେ କାଷ୍ଟ ଭୋଟିଂର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ଇସ୍ୟୁର ଗୋଟେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିମ୍ବା ଚେହେରା ଦେଖି ଭୋଟର ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେଉଁଠି କାମ ଦେଲା ଆମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ଆଉ ଫ୍ରିଭିସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାମ କରୁନି। ଯଦି ଫ୍ରିଭିସ୍ କାମ କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ଯଦି କାମ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଲେ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଯିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଗରିବ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ଓଭରଅଲ୍ ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ସିଏ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଥବିର ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ସତକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିବା। ପାର୍ଟି चुनाव पूरे ताकत से लड़ी, बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया ये उसकी जीत है। और
हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया और उसके कारण ही हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की ओर अग्रसर हैं। लीडर ने कहा कि हम भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि भारत जीतेगी, क्या ऐसे कारण है, सबसे बड़ा फैक्टर आप किसे मानते हैं? नहीं, सामान्य तौर पर ऐसा मान के चलना चाहिए कि कुल मिला के कृत्रिम रूप से कुछ लोगों ने झूठ की बैसाखी पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। वो माहौल कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन जनकल्याणकारी नीतियाँ जिनका लाभ नीचे तक लोगों को मिला, जनता पर उसका असर नहीं था और भारतीय जनता पार्टी को और जनता के बीच में नीचे जाकर देखने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो तो ऐसा ही मानते थे कि ऐसी ही जीत मिलेगी, लेकिन सामान्य तौर पर वातावरण इस प्रकार का रहता है तो व्यक्ति संभल कर बोलता है, लेकिन जो जीत मिली है उसको मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूं और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी हम चुनाव आयोग का डेटा देख पा रहे हैं, आप भी अपनी सीट से करीब 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर है, क्या कुछ आप अपनी भूमिका देखते हैं प्रदेश में? नहीं नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं, आगे भी जो काम देगी उसे करेंगे। आगे की कोई रूपरेखा विधायकों के साथ मीटिंग या? अभी तो रिजल्ट आने दीजिए और पूरा परिणाम आएगा, उसके बाद पार्टी बैठ के विचार करेगी आगे क्या करना है। मैं पार्षद था तो पार्षद का काम कर रहा था, विधायक था तो विधायक का काम कर रहा था, फिर पार्टी का काम कर रहा था, फिर पार्टी ने कहा कि सांसद में जाओ संसद का काम करो, वो कर रहा था, फिर पार्टी ने फिर कहा विधानसभा में आ जाओ, तो विधानसभा में आ गया, अब पार्टी जहाँ भेज देगी वहाँ चला जाऊँ। ये सब मनगढ़ंत है, फर्जी है और बेबुनियाद है, इस प्रकार के रहते चुनाव के समय ऐसे प्रपंच होते रहते। देखुचे भारतीय जनता पार्टी कर्मी समर्थक जी मैंने अच्छा बर्तमान सेलिब्रेशन आरंभ कर सारे और आम सबुले कही आसूचे कि 24 हूँ सेमिफाइनाल अर्थात ए सबू राज्य जी भल प्रदर्शन कर 2024 साधारण निर्वाचन में से सबू राज्य से ही दल भल प्रदर्शन करे यही आशा देखा दौर चारिटी राज्यर विधानसभा भोटिंग गणति आज बर्तमान जारी रही देखुचे आम तीन टी राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने स्थित को जाऊँगी और कंग्रेस गोटे जगार अर्थात तेलंगाना रे कांग्रेस सरकार गठन करिपारे और आसंता काली मिजोरम रो गणति उपरे समस्तंकर नजर रहिबो। थबिर आमे देखुचे जेमिति ट्रेंड ए ट्रेंड रे आउ विशेष किछि परिवर्तन हला बोली पा संभावना देखा दोउनी, केवल औपचारिकता भारतीय जनता पार्टी तीनटी राज्य रे सरकार गठन करबा परिस्थिति रे निश्चित भाव रे जते आपण बीजेपी को मिली आर गोटे इंपैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स रे पड़ो कि से ही चर्चा सामना को आसूसी कारण गोटे पटे मोदी विरोध में अगर राजनीतिक दल मैंने एकाठी होती इंडिया मेट सामना को आसूम जहाँ कह जा बिल्कुल श्रीयुक्त शीतल तरंग बेहरिया जमीती आम कहते कि जातीय राजनीति उपर यार कौन प्रभाव पड़ो और पूरा देशवासी से ही अपेक्षा रही यार प्रभाव को आपन केमिति वर्णना करेंगे केमिति विश्लेषण करेंगे? नहीं देखो सबू इलेक्शन टू डिफरेन्ट किंतु डेफिनेटली एटा गोटे आडभांटेज दबो बीजेपी को बीजेपी रो जे रैंक एंड फाइल्स अच्छा बीजेपी रो जे लीडर्स अच्छा गोटे निश्चित भाव गोटे मोराल बुस्टर हम फेस करने आपणकर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन तो मोर जहाँ गोटे धारणा जदि यही ट्रेंड जारी रुहे ताले बीजेपी पूरी कंफर्टेबल विन कर जनरल इलेक्शन रे किंतु कांग्रेस रो मु जस्ट आपण कला पूर्व कांग्रेस रो प्रॉब्लम कथा कहूँ जे कांग्रेस रो प्रॉब्लम होची एया जे सी सत को एक्सेप्ट करूनांती आ सबुबेले मिछ उपरे बेसी इम्पोर्टेंस दउचंती तार एग्जांपल आपण देखंतु एटी मैडम बर्तमान बसतिले कहिले जे जो तेलंगाना रे विजय हला
सेटा राहुल गांधी को पाई विजय हला सी प्रचार जाई कले कौन जो भारत जोड़ यात्रा से कले सी बिल्कुल क्रेडिट देले लोकल लीडर माने जो माने कंटिन्यूसली एफर्ट थिला टू विन इम्पोर्टेंस बेसी हवा कथा एट द सेम टाइम जो छत्तीसगढ़ डिफीट पाई सीए कौन किए से राहुल गांधी दायी है से कोविड दायी है ये सब जो कथा जमती कर्नाटक रे इलेक्शन बोल को कहला सेमती राहुल गांधी भारत जोड़ यात्रा पाई जीतले सेठी कांग्रेस जीतला केवल ही केवल बीजेपी लोकल बीजेपी लोक मान करप्शन आउ कि नुहे तो तेणु आपण जो आप भारत जोड़ कथा कहते बहुत ज्ञानी लोक मैंने सब देखी विभिन्न टीवी चैनल्स आसिक कहले भारत जोड़ यात्रा पर जो कांग्रेस पार्टी रो बहुत इम्प्रूव हो जाए राहुल गांधी जड़े इम्पोर्टाट लीडर भाव उभाई मुझे सबुबले कही भारत जोड़ यात्रा वाज ए सुपर फ्लॉप सेटा केबे भी नथिला मैडम रश्मि महापात्र जमिति श्रीजुक्त बेउरिया कहउचंती श्रेय श्रेय आपण राहुल गांधी बा गांधी परिवार को दबा पई बाध्य न देले असुविधा किछि अछि कि कारण जे श्रेय पाइबा कथा से जदि श्रेय न पाइबो निश्चय तार मन खराब हबो नै देखंतु श्रेय पाइबा कहा कु नैकि लीडरशिप ता आगु को पड़िबो एटा तो बीजेडी रो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी गोटे आंचलिक दल नुहे निश्चित भाव भारतीय जनता पार्टी खाता खोली गोटे आसन विजयलाभ कर सारी सहित मध्यप्रदेश ट्रेंड आम देखुचे बर्तमान भारतीय जनता पार्टी 162 आसन में आगुआ चली बेले कांग्रेस 66 आसन में आगुआ चली बीएसपी गोटे आसन में आगुआ चली मध्यप्रदेश में प्रथम विजय पाई भारतीय जनता पार्टी एवं सरकार गठन करने स्थित भारतीय जनता पार्टी ता सहित खाता खोली मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एवं वर्तमान सुधा 162 आसन में आगुआ चली दल जो मैजिक नंबर रही 116 मैडम रश्मि महापात्र आप कहते कि से शब्द आज प्रयोग करूँ ना से कथा नुह कथा जोटा कह जो अने फिल कले बर्तमान से हाँ मुझे ठीक अच्छे कि गोटे कथा हो सार कहले आम कहीं शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी को आम गोटे आइकन बोली भावुचु से कहते देखु गांधी परिवार स्वाधीनता पूर्व स्वाधीनता पर ठार्त त्याग निष्ठा को किए भी अस्वीकार कर भारत बर्ष कहना मत कि भी अस्वीकार करबो श्रीयुक्त बेउरिया ही आपन सामने रे अछो से प्रथमे स्वीकार करछन कि मु पचारि दिए से कोन कहउछन आज का वास्तवता कथा ए 10 15 वर्ष रो वास्तवता कथा सार को मु जेहेतु से बयस रे बड़ एवं तांकर अभिज्ञता मध्ये मोठ बड़ मु सेटा मना करि परनी किंतु जदे आपन एनालिसिस करबे काहे के गांधी परिवार को कह जाउछ गांधी परिवार को त्याग निष्ठा अगरे कोन आपन माने जानि नांति जे अन्य परिवार एवं अन्य मानन को कथा कहउछन कथा होची राहुल गांधी सबु बेले कहते आज्ञा गोटे कथा जे पपू गोटे कथा कहते से ट्याग गोटे लगे से ट्याग रु बाहर कि 3000 किलोमीटर चलवा और आकुमारी हिमाचल पर्यंत गोटे जो भाई भाव में सांप्रदायिक दंगा कथा कहतु भारत वर्ष जो डिस्टर्बेंस चलती से समस्त उपलब्धि करते गोटे एत बड़ गोटे हो पारा गोटे आंदोलन हो पारा साधारण लोक जोड़ी है सेटा कौन अन्य माने देखी पारु नांति कि जदियो आमे मीडिया रे नथिले तथापि मध्य लोक फील करचंती एवं आजिकार समय रे मध्य से कोठी ना कोठी प्रभाव निश्चित भाव रे पकेची सेटा सार निजे अनुभव करथिबे एवं आगामी दिन रे मध्य देखिबे एवं तेनु आमे राहुल गांधी को वास्तव रे आमे तांको सम्मान दबा पई कहबानी आ कोन करबा जेहेतु से काम करिचंती तांको जे पर्यंत आमे गोटे टैग रे रखीथिले से टैग रु आसिया पई तांकर यथासंभव से परिश्रम करिसेंती एवं सेथिरे मध्ये सफल होइचेंती श्रीयुक्त बेउरिया मानिबा पई प्रस्तुत नहंती मैडम
ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ତ୍ୟାଗ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଧୂଳିସାତ କରିଦେବି ଯଦି ମୋତେ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଏ। କୌଣସି ତ୍ୟାଗ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ନିଜର ଇଏ ପାଇଁ ଭଲ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପାୱାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ଫାଗ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତା'ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ମୁଁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ କହିଦେବି କୌଣସି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନଥିଲି, ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ, ଆପଣ କହିଲେ କେଉଁଠି ରାଇଟ୍ ହେଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ରାଇଟ୍, କେଉଁଠି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ମାଇନରିଟିଜ୍କୁ ଖରାପ କୁହାଯାଉଛି। ଆମର ଏଠି ପୁରା ମାଇନରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ର ତିନି ତିନିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍, କିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ? ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ମୂଳରୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେମାନେ ସତକୁ କେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି ଆଉ ମିଛକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ସେ ଯାତ୍ରା ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି। ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ନେବି। କୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସତକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ବାସ୍ତବତା ଯାହା ତାଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାସ୍ତବତାଠୁ କେମିତି ଦୂର ରହିଲା? ଆମେ ତ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ବି ଆଜି କହିବା ପାଇଁକି ଆମେ ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲୁ ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆମର ଅସୁବିଧା ରହିଲା, ଆଉ ତେଣୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁନି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବଲିଉଡ କଥା, ବଲିଉଡର କଥା ଏଠି, ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ, ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ କଥା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶଟା ଅଲରେଡି ସେଠି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା କମଲନାଥଙ୍କ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସିନ୍ଧିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ, ସେ ସେତିକି ବୋଧ ହୁଏ ସେ ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। କମଲନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁହଁଟା ସେଠି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବିଜେପିରେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ସେଠି ଆମେ ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ବେଉରିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଆପଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଶ୍ରେୟ ବା ତାର ଉତ୍ତର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେବା କଥା, ଜବାବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେବା କଥା, ସେ ନିଜ ଉପରେ ଦୋଷ ନେବା କଥା। ଆ ପରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ନେତା କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ସର୍ଟରେ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଲା ସେତିକି ହେବେ। ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେବ ଏଆଇସିସିରୁ ହେବ କ'ଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଆମେ ଅସୁବିଧା, ଆମର ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସେଇ ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର ହେବ ନା କିଛି ଭିନ୍ନ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରହୁଛେ।